अदालत की कार्यवाही शुरू कर दी जाए। तुम अपूर्व रॉय हो, करेक्ट? जी। तो फिर मैं शेखर मिश्रा से बात करना चाहूंगा, मैं मिलना चाहूंगा उससे। मैं आपको कैसे मिला सकता हूं? वो मेरे बस में नहीं है। रियली? तो फिर रणधीर प्रकाश से मिलवा दीजिए। देखिए, ये लोग कोई मेरे बुलाने से नहीं आते, ये मेरे बस में नहीं है। देखिए मिस्टर रॉय, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं इस अदालत को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये रेप, ये मर्डर्स तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे ऑल्टर्स ने किए हैं। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मदद मेरी तुम्हें भी करनी पड़ेगी। रणधीर प्रकाश और शेखर मिश्रा को बाहर लाना होगा। देखिए सर, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, ये लोग मेरे बुलाने से नहीं आते। या फिर ये क्यों नहीं कहते कि तुम हमें उन दोनों कैरेक्टर से मिलवा ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तुम्हें अदालत में पेश किया गया है कि सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। यू आर द ओनली वन हु इज गिल्टी। रणधीर प्रकाश और शेखर मिश्रा, इन दोनों का कोई वजूद नहीं है। दे डोंट एग्जिस्ट बट यू डू। डिबल अनडिनाइबल प्रूफ that you murdered three women cold-bloodedly and raped them. Your Honor, would you like to re-examine your witness? Yes. Yes, Your Honor. तुम जानते हो अपूर्व, डू यू नो यू आर अंडर ओथ? गुड। अब मैं चाहता हूं कि तुम रणधीर प्रकाश से बाहर आने के लिए कहो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम चाहो तो रणधीर प्रकाश को बाहर आने के लिए मजबूर कर सकते हो। यस, यू कैन डू इट। आई एम श्योर रणधीर प्रकाश हमारी बातें सुन रहा है। सुन रहे हो ना रणधीर प्रकाश? और खुश हो रहे होंगे तुम। तीन तीन मर्डर और रेप, फिर भी इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। बाहर आओ और हमारी शाबाशियां लो रणधीर प्रकाश, क्योंकि तुम जानते हो अपूर्व निर्दोष है और तुम्हें सजा देने के लिए अपूर्व को सजा देनी होगी। बहुत ही स्मार्ट हो तुम रणधीर प्रकाश। शेखर मिश्रा, मैं जानता हूं तुम दोनों अपूर्व के अंदर हो। बाहर आओ अभी, एट वंस। बाहर आओ एंड शो योर फेसेस। डैम यू, शो योर फेसेस। आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। Approach the bench. मैं बार एसोसिएशन से सिफारिश करूंगी कि आपको डिसबार किया जाए। You are a disgrace to your profession. किसी और गवाह को पेश करना चाहोगे? The defense. Yes. Court is adjourned. Welcome to News Analysis Show. News India Channel के CEO श्री अपूर्व रॉय का केस अदालत के आखिरी चरण में पहुंच गया है। आज अदालत में वकील सफाई ने जी तोड़कर कोशिश की, लेकिन ये साबित नहीं कर सका कि अपूर्व रॉय मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के विक्टिम हैं। अपूर्व रॉय की लास्ट शो भी शहर के जाने वाले साइंटिस्ट डीएम श्रीवास्तव ने भी अपनी दवाई में MPD यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के एग्जिस्टेंस से मना कर दिया। आज मुंबई शहर में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। Mama, I could be wrong, but I get this strong feeling कि पापा का केस और अपूर्व का केस कहीं ना कहीं जरूर करें। कहाँ हमें ये बट पिन इट डाउन। Anyway, Mama, tell me, पापा अय्यर और श्रीवास्तव को कब से जाए? जब अय्यर ने नई नई मिनिस्ट्री ज्वाइन की, उसी समय तुम्हारे पापा को प्रमोशन भी मिली। इनफैक्ट श्रीवास्तव को रशिया से लाने में तुम्हारे पापा और अय्यर का बहुत बड़ा हाथ था। वो लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एंड इन सीक्रेसी। उस समय तुम्हारे पापा बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे
जस्ट लाइक अ चाइल्ड। फिर पता नहीं क्या वो थोड़ी सी विड्रॉल लेने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत डिसिल्यूशन हो गए और उन्हें के दबाव की वजह से वो प्रोजेक्ट को डिसबैंड कर दिया गया। तब तक अय्यर की सरकार गिर गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अय्यर और श्रीवास्तव इसी बात को लेकर तुम्हारे पापा से बहुत नाराज थे। कौन सा प्रोजेक्ट था? पता नहीं, शायद तुम्हारे पापा की डायरी में कुछ मिल जाए। इस वक्त वो डायरी मेंटेन कर रही थी। ब्रिलियंट, कहाँ है वो डायरी? में तुम्हारे पापा की डायरी में जो सीक्रेट कैबिनेट है। निकी ने मुझे यहाँ तुम्हारे घर पर क्यों बुलाया होगा श्रीवास्तव? इतने बड़े देश को कैसे संभालोगे मेरे भाई? एक छोटी सी लड़की से डर गए? अरे भाई, वो इसलिए शायद वो जानती है कि मेरे अलावा कोई भी आदमी अपूर्व को नहीं बचा सकता है। तुम्हारे जरिए दबाव डालना चाहती है मेरे ऊपर, और क्या? नहीं श्रीवास्तव, इस बार बात कुछ और है। मैंने उसकी आवाज में एक अजीब सी सेंस ऑफ पावर महसूस की है। कहीं उसके हाथ तो कुछ नहीं लग गया ना? नामुमकिन, नॉट पॉसिबल। अरे जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी उसने हमें लाके दी और हमने उसे ऐसी जगह सुरक्षित रखा है जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। वो शायद यहां इसलिए आ रही है कि कोर्ट में मैं अपना बयान बदल लूं। सही कहा, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ, लेकिन तुझसे भीख मांगने नहीं, तुझे ये बताने कि कल कोर्ट में तुझे अपना बयान बदलना होगा, वरना वरना अय्यर तुम ही समझाओ इसे, क्योंकि तुम्हारा करियर ज्यादा स्टेक पर है। जनरल इलेक्शन को सिर्फ 2 दिन बाकी है और तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए मेरे लिए भी सिर्फ 2 दिन बहुत है। ये तो ब्लफ कर रही है। ब्लफ मैं तेरा करूंगी कल और साथ में पापा का नाम भी क्लियर करूंगी। जनरल सिंह गद्दार था, तुम गद्दार की बेटी हो, कौन यकीन करेगा? गद्दार कौन है इसका फैसला तुम देश की जनता पर छोड़ दो। जब उन्हें पता चलेगा कि जनरल सिंह फरार है और वो ब्रिज एक्सीडेंट में मरा नहीं था। वंस अगेन यू आर डैम राइट श्रीवास्तव, क्योंकि पापा बॉम्ब एक्सप्लोजन में नहीं मरे थे। उनकी तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन एक्सप्लोजन से पहले जरूर शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई थी एक्सप्लोजन के बाद, तकरीबन 1 मिनट बाद। Am I right? फिर तुम दोनों जाकर पापा से मिले, क्योंकि तुम दोनों जानते थे कि पापा तुम्हारा केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुणे गए हैं। और जब उन्होंने बताया कि वो आर्मी हेडक्वार्टर जा रहे हैं, तुम लोगों ने उन्हें मार दिया। ड्राइवर्स को उनकी गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वो बॉम्ब एक्सप्लोजन में मरे ही नहीं थे। और फिर तुम दोनों ने ये थ्योरी प्रोपेगेट की कि पापा ने देश के साथ गद्दारी की है और दुबई चले गए। एंड देन वेरी स्मार्टली उनकी आवाज कंप्यूटर जनरेट कर तुमने मुझसे बात की। उन्हीं के क्रेडिट कार्ड से मामा को हॉस्पिटल में बुके भेजा। इट वॉज अ ग्रेट प्लॉट, आई मस्ट गिव इट टू बोथ ऑफ यू। तुम दोनों यही चाहते थे ना कि किसी को पता नहीं चले कि जो प्रोजेक्ट पापा ने ऑफिशियली डिसबैंड किया था उसे तुम दोनों ने जारी रखा है। शायद इसीलिए तुमने मदरहुड फर्टिलिटी क्लिनिक के रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि तुम दोनों जानते थे कि अगर वो मेरे हाथ लग गए तो तुम दोनों का भांडा फूट जाएगा। तुम दोनों जेनेटिकली जीन्स म्यूटेट करके एक परफेक्ट सैनिक बनाना चाहते थे ना? क्या नतीजा निकला? अपूर्व जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग, और कितनी माओ की कोख में बिना उनकी जानकारी बिना उनकी परमिशन तुमने म्यूटेटेड टेस्ट ट्यूब बेबीज डाले हैं। दोष अपूर्वा का नहीं है, दोष तुम दोनों का, और यही गुनाह कल कोर्ट में तुम दोनों कबूल करोगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Ah.
अब इसका भी अपने पापा के पास जाने का वक्त आ गया है। उसे मारने की क्या जरूरत है श्रीवास्तव? इलेक्शन टाइम है, कहीं कोई स्कैंडल खड़ा हुआ ना तो। इसीलिए अय्यर, उसका मरना बहुत जरूरी है इसी वक्त। और फिर ये पेनलेस है। कम ऑन आओ। एक बार फिर सोचना श्रीवास्तव। अय्यर सोचना क्या है, सोच लिया है और फिर हमारी भलाई तो इसी में है। बी ब्रेव, कम ऑन। जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। तुम इस वक्त यहां? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अंदर बैठकर कहूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज कम इन। सर, दोनों ने खुदकुशी कर ली है। अब क्या होगा? तो एक ही रास्ता है। द ट्रायल इज ओवर। इस केस की सुनवाई हो चुकी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑनर, मैं आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाना चाहता हूं। जो दिखाना है जल्दी दिखाइए, वैसे भी आप कोर्ट का काफी समय जाया कर चुके हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं रणधीर प्रकाश। रणधीर प्रकाश, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर आओ। डू यू हियर मी शेखर मिश्रा? रणधीर प्रकाश, शेखर मिश्रा, तुम दोनों में से अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बात क्या है? तुम में से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बाहर क्यों नहीं आ रहा है? डर गए हो क्या? अदालत में भी यही हुआ था, डर गए थे तुम दोनों। तुमने सुना ना जज ने क्या कहा? अपूर्वा गुनेगार है, दोषी है वो। तुम दोनों में से कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो बाहर आओ। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम दोनों? डर गए हो तुम एक बहुत ही घटिया और डरपोक किस्म के इंसान हो रणधीर प्रकाश। कर बम्बे भो 80-90 पूरे 100। मैं आ गया। काले कोट वाले, मैं आ गया। हाँ, मैं वही रणधीर प्रकाश। मुझे तो लगा होगा मैं बहुत ही कायर और डरपोक आदमी हूँ। हाँ, तेरे कोर्ट में इतनी बार बुलाने के बावजूद मैं नहीं आया। किसे कहने का? हाँ, तू ऑर्डर देगा ये वैसे ही करूँगा। बोलेगा उठ, मैं उठ जाऊँगा। तू बोलेगा बैठ, तो मैं बैठ जाऊँगा। अबे पालतू कुत्ता समझा मेरे को? सुना मैंने तेरे वो एक्सपर्ट लोगों का बयान? साले सब के सब उल्लू चमगादड़ है। बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे उल्लू के पट्टो, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं इस अपूर्व राय के अंदर आया कहां से? वकील साहब, हमने आपसे कोर्ट में बाहर निकलने की बहुत कोशिश की मिलने के लिए, पर हम कुछ नहीं कर पाए। वकील साहब, इस ससुरा रणधीर हमका बाहर निकलने नहीं दे रहा। वकील साहब कुछ करो, वकील साहब कुछ करो, हमका बचाओ, हमका। जाने के मामले से
कहीं नहीं जाने दूंगा। सच बोल रहा था तू? हाँ, मैंने तेरा गला दबा के रखा था। गला निकाली ना, तेरा मैं भी तेरे को खराब कर डालूंगा। हाँ, तुम क्या समझते हो? तुम्हें क्या होगा जब जज अपूर्व को फांसी की सजा सुनाएगी? वो तो तीन में से किसी को जानता तक नहीं था। शायद शेखर मिश्रा जानता हो सकता है, ये खून उसी ने किया। काले को बड़ी बात मत दिया कर। उसका तो खरगोश जैसा दिल था, खरगोश। एक आवाज करो ना तो चूहे की तरह भाग जाना। वो क्या मारेगा किसी को? अरे उन तीनों को मैंने मारा था, मैंने अकेले ने अपने हाथों से फंसा दिया ना मैंने उसको। अपूर्व राय बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता था। अंदर करवा दिया उसको मैंने। सजा सुनाएगा ना तो उसको असाइलम भेजेगा, असाइलम, और वहां मैं आराम से रहूंगा। नहीं, कुछ कुछ आवाज तो नहीं आई, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही। कुछ आ रहा नहीं है ना? कुछ कुछ नहीं है अपूर्व, कुछ नहीं है। कुछ कुछ नहीं है। ए, क्या है? नहीं, अब, हाँ? कुछ नहीं है अपूर्व, कुछ नहीं है। रिलैक्स, अब कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, है ना? कुछ नहीं बाबर। अरे अरे वो कुछ नहीं है ना? मेरी बात कुछ नहीं है। अरे नहीं, तो अपूर्वा, 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 अरे शानदार जानदार दुकान से तुम्हारे मत बेस्ट एक्टर अवार्ड भी तुम्हें मिल चाहिए। शट अप, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। लाइट्स ऑन। अब तक के पूरे मुकदमे को गौर से देखते हुए अदालत ये फैसला देती है कि अपूर्व राय स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे एक मानसिक रोग से ग्रस्त है और उसने ये अपराध अनकॉन्शियसली किया है, जिसकी वजह से अपूर्व राय को सजाए मौत या आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता। इसके बजाय उन्हें अदालत 5 साल तक मेंटल असाइलम में रखने का हुक्म देती है। उसके बाद अपूर्व राय की दिमागी हालत को देखते हुए अदालत फैसला देगी। द कोर्ट इज adjourned. Must have gone through hell. Shukar hai thode acche lage. Haan Nikki, ye meri nayi zindagi bhi to tumhari deen hai. Agar tum nahi hote to shayad aaj. Aisa nahi sochta par. Tum bas acche ho jao. Main chalti hoon. Phir milne aayenge. Thanks for everything. Bye. अकड़ पकड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 100 चक्कर लगा ले, मगर तू इसमें से बच नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि रणवीर प्रकाश से आज तक कोई बच ही नहीं पाया। क्योंकि रणवीर प्रकाश का खात्मा कभी हुआ ही नहीं।
रणधीर प्रकाश शेखर मिश्रा सब के सब ससुरे बेवकूफ बन गए। समझते हैं कि तीन तीन लोग रहते हैं इस शरीर में, बेवकूफ ये क्या मालूम कि सिर्फ एक ही आदमी तो रहता है अपूर्वरा। सिर्फ अपूर्वरा। Ha 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 ha!